नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में अंतर क्या होता है और इन दोनों में समानता क्या है। दोनों में समानता की बात करें तो दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th पास्ड है और जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी 2 साल का है दोनों के लिए ही। एज लिमिट की बात करें तो एडमिशन के लिए यदि आपकी उम्र 14 से 40 साल के बीच में है तो आप ITI में एडमिशन पा सकते हैं। अंतर की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में किसी बिल्डिंग या ब्रिज पाइपिंग सिस्टम के प्लान को ड्रा करना और मटेरियल्स को एस्टिमेट करना और कितना कॉस्ट लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की बात करें तो इसमें किसी मशीन के कंपोनेंट्स और उसके जो स्ट्रक्चर होगा इन सब चीज़ों को ड्रा करना या किसी मशीनरी टूल या डिवाइस है उसको ड्रा करना सिखाया जाता है। ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल या मैकेनिक किसी से भी करने के बाद आप ढेर सारी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स को पा सकते हैं, लेकिन यदि आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक में एंट्री ले सकते हैं, और डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।